सवाल एक, क्या ऐसा है कि एक भी लफ्ज या नुक्ता ऐसा नहीं है जो इस पैगाम में शामिल या छोड़ दिया गया हो जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से कुरान की शक्ल में मिला था? जवाब दें जी हाँ। सवाल टू, कुरान किस महीने में नाजिल हुआ? जवाब रमजान। सवाल तीन, कुरान कितने अबवाब या सूरतों पर मुश्तमिल है? जवाब दें 114। सवाल चार, कुरान करीम में कितने अंबिया का जिक्र है? 25 अंबिया का जिक्र है। सवाल फाइव, मुकम्मल कुरान किस दौर में नाजिल हुआ? जवाब दें 23 साल। सवाल सिक्स, कुरान का हर सूरा या सूरा मुतादिद आयात पर मुश्तमल है, उन्हें अरबी में क्या कहते हैं? जवाब आयत। सवाल सेवन, कुरान करीम की सबसे लंबी सूरत का नाम बताएं? जवाब दें अल बकरा। सवाल आठ, कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत का नाम बताएं? जवाब दें अल कौसर। सवाल नौ, उस सूरत का नाम बताएं जो पहली बार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल तौर पर नाजिल हुई थी फरिश्ता जबराइल के जरिए एक ही नशिस्त में, और कुरान करीम की इब्तिदाई सूरत कौन सी है? जवाब दें अल फातिहा। तवाल तंस, कुरान करीम के अलावा देगर तीन मुकद्दस किताबों के नाम क्या हैं? अलिफ तौरात, बी जबूर, जी इंजील। ये सवाल अब के लिए, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे?